हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल हियर। सो दिस इज़ आवर इवेंट फॉर क्लास एंड इन दिस क्लास वी विल रीड चैप्टर फॉर प्लांट्स किंगडम। आज हम प्लांट्स किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम जानेंगे कि कैसे प्लांट होते हैं, लॉन्ग प्लांट, स्मॉल प्लांट्स, ट्रीज, सबके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट प्लांट्स। हम कभी भी अपनी ज़िंदगी को प्लांट्स के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए भी और जानवरों के लिए भी। प्लांट किंगडम इज़ वेरी वेरी वास्ट एंड विविड। प्लांट किंगडम जो है वो बहुत ही बड़ा है और वो विविड है, मतलब वो अलग अलग प्रकार का है। प्लांट्स मेक आवर इन्वायरमेंट अलाइव, हेल्दी एंड कलरफुल। प्लांट्स जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट को जिंदा रखता है, हेल्दी रखता है और कलरफुल रखता है। ओके, इवन प्लांट इज़ यूनिक इन इट्स शेप, साइज एंड कलर। प्लांट्स जो होता है वो यूनिक होता है उसके शेप में, साइज में, कलर में। यानी हर प्लांट जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, उनके शेप अलग होते हैं, उनके साइज अलग होते हैं, उनके कलर अलग होते हैं। बिग एंड टॉल प्लांट्स दैट हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम और ट्रंक आर कॉल्ड ट्रीज। वैसे प्लांट्स जो बड़े और मजबूत होते हैं, जिनके स्टेम स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्हें हम ट्रंक कहते हैं, उन्हें हम पेड़ कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। पीपल, मैंगो, इवन बनाना, डिफरेंट ट्रीज, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज हैं। दे आर ओवर 23,000 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज इन द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में 23,000 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के प्रजाति के पेड़ पाए जाते हैं। अब हम श्रब्स के बारे में पढ़ेंगे। सब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम सच इज रोज प्लांट, लेमन प्लांट, बेसिल प्लांट एंड कॉटन प्लांट। सब्स ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसके वुडी स्टेम होते हैं, जैसे रोज प्लांट हो गया, लेमन प्लांट हो गया, बेसिल प्लांट हो गया, कॉटन प्लांट हो गया। सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम सच एज मिंट, कोरिएंडर एंड स्पिनच, दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, जैसे मिंट मीन्स पुदीना हो गया, कोरिएंडर धनिया हो गया, स्पिनच पालक हो गया। इनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और साथ ही साथ वो ग्रीन कलर के भी होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं इनके स्टेम, इन्हें हम हर्ब्स कहेंगे। प्लांट्स दैट ग्रो टेकिंग सपोर्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। तो वैसे प्लांट जो किसी दूसरे के मदद से, किसी दूसरे के सपोर्ट से चढ़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम एंड दे ग्रो क्लाइंबिंग ओवर द हार्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, स्टिक्स और वॉल्स। क्लाइंबर्स जो होते हैं उनके स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट की सहायता से चढ़ते हैं, जैसे या तो वो पेड़ पे चढ़ेंगे, या तो वो दीवार पे चढ़ेंगे, या तो किसी स्टिक के मदद से चढ़ जाएंगे। ग्रेपवाइन एंड रिज कर्ड आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। ग्रेपवाइन, अंगूर और जो करेला, ये बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स होते हैं क्लाइंबर्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम अदर प्लांट्स विद सॉफ्ट एंड वीक स्टेम कैनॉट क्लाइंब, सो दे क्रीप ऑन द ग्राउंड। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं ना जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, अगर हम उन्हें किसी के सहायता से खड़ा करना चाहें तो भी ये खड़े नहीं होते, वो ज़मीन पे ही रहते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्रीपर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स बियर वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट्स। क्रीपर जो होता है वो बड़े बड़े फ्रूट्स को कैरी करता है, मतलब इसके जो फल होंगे वो बहुत बड़े होंगे, जैसे पम्पकिन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके क्रीपर्स के। प्लांट्स एंड दे आर ग्रोइंग प्लेसेस, अब हम जानेंगे प्लांट्स के बारे में जो, और वैसे जगह के बारे में जहाँ पे ये उगते हैं, जन्म लेते हैं। डिफरेंट प्लांट्स नीड डिफरेंट कंडीशन टू ग्रो। अलग अलग पौधे जो होते हैं उन्हें अलग अलग कंडीशन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। किसी को बहुत पानी की ज़रूरत होती है, किसी को कम पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स लाइक रोज़ एंड दहलिया ब्लूज़म इन वाटर। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे रोज़ हो गया, दहलिया हो गया, ये सारे विंटर में जन्म लेते हैं। ट्रीज़ लाइक फी एंड पाइन आर प्लांट्स ऑफ वेरी कोल्ड प्लेसेस एज दे ग्रो ऑन हाई माउंटेंस। फिर हो गया, पाइन हो गया, ये ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ही ठंड क्षेत्रों में उगते हैं और ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ी पे जन्म लेते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे चलते हैं और हम देखते हैं। सम ट्रीज लाइक मैंगो, गुआवा, नीम एंड अशोका नीड वार्म वेदर टू ग्रो। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें उगने के लिए गर्म वेदर की ज़रूरत होती है, जैसे मैंगो, गुआवा, नीम, अशोक, ये सब गर्म वेदर में उगते हैं। प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड पाल्म ग्रो इन द हॉट वेदर ऑफ डेजर्ट्स एंड नीड लिटिल वाटर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेजर्ट में होते हैं और हम सब जानते हैं कि डेजर्ट में पानी होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, तो वो वैसे प्लांट्स जो डेजर्ट में होंगे उन्हें कम पानी की ज़रूरत होती है।
प्लांट्स लाइक लोटस एंड वाटर लिली ग्रो इन वाटर. कुछ प्लांट ऐसे हैं जैसे लोटस और वाटर लिली, ये पानी में उगते हैं. ट्री सच एज कोकोनट ग्रो वेल नियर द सी. ट्री कुछ ऐसे ट्री जैसे कोकोनट ट्री हो गया, वो समुद्र के किनारे उगता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव. अब हम अलग अलग पत्तों के बारे में जानते हैं. लीव्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लांट एज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर, एयर एंड सॉइल. जैसे कि हम जानते हैं लीव्स को किचन हाउस ऑफ प्लांट कहा जाता है, वहाँ पे वो अपना खाना बनाते हैं. तो ये हर एक प्लांट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे खाना बनता है सनलाइट, वाटर और एयर के मदद से. सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, इसलिए हम इसे किचन ऑफ द प्लांट्स भी कहते हैं. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स. अलग अलग प्लांट के अलग अलग लीव होते हैं. वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट्स ऑफ द सेम साइज एंड कलर ऑफ देयर लीव्स. अगर हमें पत्तों को दिखाया जाए तो हम उन पत्तों को पहचान करके पेड़ का अनुमान लगा सकते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स बट सम ऑफ देम हैव अदर कलर्ड लीव्स लाइक रेड, येलो एंड पर्पल. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, ज़्यादातर प्लांट के पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके पत्ते रेड, येलो, पर्पल ऐसे कलर के होते हैं. सम प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स वाइल सम हैव बिग लीव्स. कुछ प्लांट्स के पत्ते छोटे होते हैं तो कुछ प्लांट्स के पत्ते बड़े होते हैं. जैसे बनाना लीफ हो गया, ये तो बड़ा होता है. और मिंट यानी पुदीने की पत्ती जो होती है वो छोटी होती है. अब हम यूज़फुल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे लिए यूज़फुल है. यूज़फुल तो सब होते हैं. प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. प्लांट्स जो होता है वो हमें फ्रेश एयर देता है जो सभी लिविंग बींग्स के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है. वी गेट मैनी अदर थिंग्स, यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स. हमें प्लांट्स से बहुत सारे यूज़फुल चीज़ मिलते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ग्रेन हो गया, पल्सेस हो गया, स्पाइसेस हो गया, ऑयल, मेडिसिंस हो गया, टी, कॉफ़ी हो गया, कॉटन हो गया. तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जाना ट्रीज, प्लांट के अलग अलग टाइप को जाना, क्रीपर को जाना, क्लाइंबर को, हर्ब्स को, सर्ब्स को, वैसे प्लांट कहाँ पे उगते हैं, कौन से प्लांट पानी में उगते हैं, कौन से प्लांट डेजर्ट में उगते हैं, क्या सब पत्तों सब पेड़ के पत्ते एक जैसे होते हैं, क्या सब एक कलर के होते हैं, क्या सब बड़े होते हैं, इन सबको हमने इस शॉर्ट वीडियो में जाना. थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो.